हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत है। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द कलर्स यूज इन ए फार्मास्यूटिकल्स। सो कलरिंग एजेंट्स यूज इन द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो टुडे वी विल गिव यू अ डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कलरिंग एजेंट यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। So subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of Pharmarocks. So doses, forms and colors. So pharmaceutics के अंदर या फिर pharmaceutical industry के अंदर जितने भी अलग अलग formulations है कि समझो कि cosmetic industry and जो normal जो doses form होते हैं like कि tablet doses form है, capsule doses form, okay, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड, जितने भी अलग अलग टाइप के डोजेस फॉर्म, देन ये कॉस्मेटिक में हम देखें तो अलग अलग मल्टीपल नंबर ऑफ प्रिपरेशन ऐसे कि जिसके अंदर कलर्स जो है वो यूज़ होते हैं। सो डोजेस फॉर्म एंड कलर्स, तो फार्मास्यूटिकल कलर्स के समझो कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो सिरप होती है, ओके, कफ सिरप्स वगैरह उसके अंदर भी कलर्स होते हैं, ओके। सो जितने भी हमारे डोजेस फॉर्म है, सो कलर कैन बी यूज इन फार्मा फॉर ए वेरियस रीजन। नंबर ऑफ रीजन से कलर्स जो है वो ऐड किए जाते हैं इन वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस एज वेल एज इन ए कॉस्मेटिक्स। सो डिड यू नो देयर इज ए वेरिएशंस इन एक्सेप्टेंस ऑफ फार्मा कलर्स इन डिफरेंट कंट्रीज। हर एक कंट्री के अंदर कलर्स की एक्सेप्टेंस के रूल्स जो है वो अलग अलग होते हैं। Some of the widely used color in pharma are white, blue, red, yellow, green and brown. So mainly white color, blue, red, yellow, green and brown. इतने जो color जो है वो widely used होते हैं इन्हें pharma. So various reasons है उसके कारण जो अलग अलग जो colors है हम pharmaceutical preparations के अंदर add करते हैं, और वो reasons क्या है वो हम जान लेते हैं। सो फर्स्ट रीजन इज इट इज़ यूजफुल टू इंक्लूड ए कलर विच इज एसोसिएटेड विद द यूज फ्लेवर्स टू इम्प्रूव द एट्रैक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट। सो सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंस है कि प्रोडक्ट की एट्रैक्टिवनेस हमें इम्प्रूव करनी है। समझो कि कोई आपने टैबलेट बनाई है, कैप्सूल है, कोई सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, कोई आपके पास ऐसी क्रीम है, पेस्ट है, ओके, देन कॉस्मेटिक्स के अंदर लिपस्टिक है समझो, तो जितने भी ये प्रोडक्ट्स है उसकी एट्रैक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए आप उसके अंदर कलर ऐड करते हो। आफ्टर दैट देर इज़ अवेलेबल रेंज ऑफ बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक कलर्स वी कैन यूज इन दिस पर्पस। द फार्मर विच टेंड्स टू बी मोर वाइडली एक्सेप्टेबल देन सिंथेटिक वंस, कि जो नेचुरल जो है वो ज़्यादा यूज होते हैं बिकॉज ऑफ ए वाइडली एक्सेप्टेंस कंपेयर टू synthetic ones. They exhibits problems namely variations in availability and in a chemical composition, both of which may cause formulation difficulties. Synthetic dyes tends to give brighter colors and are generally more stable than natural materials. So the former which tends to more widely and acceptable than synthetic ones. ओके, सिंथेटिक डाइज टेंस टू हैव ब्राइटर कलर्स एंड जनरली मोर स्टेबल देन नेचुरल मटेरियल्स। सो इम्प्रूव्ड एट्रैक्टिवनेस जिसके कारण पेशेंट कंप्लायंस इंक्रीज होते हैं, स्पेशली इन ए पीडियाट्रिक डोजेस फॉर्म, ओके, कि पीडियाट्रिक आप एलिक्जायर बनाते हो, सिरप बनाते हो, लिंटस होता है, ओके, कफ सिरप्स जो होती है कि उसके अंदर कलर आप ऐड करते हो टू अट्रैक्ट द पेशेंट, ओके, कि जो स्मॉल चिल्ड्रंस होते हैं पीडियाट्रिक पेशेंट्स उनके लिए कलर्स ऐड करना इंपॉर्टेंट है। देन कॉस्मेटिक्स के अंदर कलर्स का इंपॉर्टेंट है, एंड टू इम्प्रूव द एट्रैक्टिवनेस ऑफ योर प्रोडक्ट यू ऑल्सो ऐड द कलर इन दैट प्रिपेरेशन। सो दिस इज द फार्मास्यूटिकल कलर्स क्लासिफिकेशन, ओके। तो कलर का क्लासिफिकेशन दो टाइप से है, एक नेचुरल है और दूसरा सिंथेटिक कलर्स, ओके। सो नेचुरल के तीन पार्ट होते हैं कि जो प्लांट ओरिजिन में से मिलते हैं वो, देन एनिमल ओरिजिन के एंड मिनरल ओरिजिन। सो मेन तीन टाइप रहेंगे नेचुरल के, कि प्लांट सोर्सेज में से, एनिमल सोर्सेज एंड
मिनरल सोर्सेज, और दूसरे है सिंथेटिक कलर्स के, जो हम वेरियस केमिकल रिएक्शंस के थ्रू वो सिंथेटिक कलर्स जो है वो हम डेवलप करते हैं। सो नेचुरल प्लांट कलर्स कौन से हैं? ये सभी इम्पोर्टेंट है कि पूछे जा सकते हैं कि कौन सा नेचुरल है, कौन सा मिनरल सोर्सेस में से, और कौन सा एनिमल। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द नेचुरल प्लांट कलर। तो जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर के लिए यूज़ किया जाता है, नेचुरल प्लांट कलर्स की जो है क्लोरोफिल, ओके फॉर ग्रीन कलर। देन अन्नाटो सीड्स येलो टू ऑरेंज, अन्नाटो के जो सीड्स आते हैं वो यूज होते हैं फॉर येलो टू ऑरेंज। देन कैरेट्स फॉर ए येलो कलर, मडार प्लांट फॉर ए रेडिश येलो कलर, आफ्टर दैट इंडिगो जो यूज होता है फॉर ब्लू कलर, सेफ्रॉन इज ऑल्सो यूज फॉर ए येलो कलर, कैरेमल कि जिसको हम बर्न्ट शुगर कहते हैं, बर्न्ट शुगर येलोविश ब्राउन कलर जो है वो प्रोवाइड करती है। सो यहाँ से भी एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं कि इंडिगो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच कलर, सेफ्रॉन, मदर प्लांट, ओके। और ये खास इंपॉर्टेंट है कि अन्नाटो सीड्स, कैरेमल, ओके, कि इसमें से पूछे जा सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल प्लांट कलर, फिर उसके कलर रिलेटेड की क्लोरोफिल कौन से कलर के लिए, मडार प्लांट कौन से कलर के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं नेचुरल एनिमल कलर। सबसे पहले है कोलचिनिल, अल्कलाइन एक्वियस सॉल्यूशन, कोलचिनिल इंसेक्ट्स, कोलचिनिल इंसेक्ट्स में से वो पाया जाता है, वेरी डार्क पर्पलिस रेड लिक्विड, ओके, वेरी डार्क पर्पलिस रेड लिक्विड जो है। और दूसरा है कार्मिन, एल्यूमिनियम लेक फ्रॉम कोलचिनिल एंड इट इज हैविंग ए रेड कलर। सो पूछे जा सकते हैं कि कार्मिन के पास कौन सा कलर है, तो वो है रेड, कि वो इनली एनिमल सोर्सेस में से है, एंड कोलचिनिल हैव ए पर्पलिस रेड लिक्विड, पर्पलिस रेड लिक्विड। नेक्स्ट इज नेचुरल मिनरल कलर्स, ओके, मिनरल पिगमेंट्स की जो रेड फेरिक ऑक्साइड, देन येलो फेरिक ऑक्साइड की, ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है येलो फेरिक ऑक्साइड कलर, आफ्टर दैट टिटेनियम डाइऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक, ओके। तो ये है नेचुरल मिनरल कलर्स। आगे देखते हैं हम सिंथेटिक कलर्स के। सबसे पहले ऑप्टेन फ्रॉम द कोल्टार, कोल्टार में से जो ऑप्टेन होते हैं सिंथेटिक कलर्स, क्लासिफाइड इंटू थ्री ग्रुप्स। ग्रुप वन यूज इन ए फूड्स, ड्रग एंड इन ए कॉस्मेटिक, ओके। पहला ग्रुप ऐसा है कि जो फूड के अंदर यूज होता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक के अंदर। सेकंड ग्रुप यूज इन ए ड्रग एंड कॉस्मेटिक, एंड ग्रुप थ्री एक्सेप्ट द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। सो परमिटेड कलर्स कि जो ब्लू कलर के लिए कौन से है, तो ब्रिलियंट ब्लू एंड इंडिगो कार्मिन, ब्रिलियंट ब्लू एंड इंडिगो कार्मिन के जो ब्लू कलर के लिए है। देन ग्रीन के लिए फास्ट ग्रीन एंड गिनी ग्रीन, वायोलेट के लिए वुड वायोलेट, रेड के लिए अमारांत, इरिथ्रोसिन एंड स्कारलेट रेड। कि समझो कि आप कोई भी डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, इसमें कई बार ये आप अमारांत कलर यूज करते हो, इरिथ्रोसिन, स्कारलेट रेड, ओके फॉर द रेड कलर। आफ्टर दैट येलो के लिए टार्टरजिन, सनलेट येलो, ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार टार्टराजिन के बारे में एग्जाम में पूछा गया है कि टार्टराजिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए विच कलर इन ए फार्मास्यूटिकल्स, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर। देन सनसेट येलो इज ऑल्सो फॉर येलो, अमारांत इज फॉर रेड, ओके, इंडिगो कार्मिन इज फॉर ए ब्लू, ओके। ऐसे ही पूछेंगे कि जिसके अंदर कलर का नाम नहीं आता, आप देख सकते हो कि इंडिगो कार्मिन, तो इसके अंदर कोई कलर का नाम नहीं, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा इट इज ए ब्लू कलर। देन इरिथ्रोसिन, अमारांत, ओके, वो है रेड कलर। देन टार्टराजिन येलो कलर के लिए है, बाकी सब के अंदर देखो ग्रीन नाम आता है कि फास्ट ग्रीन, तो वो ग्रीन ही होगा, गिनी ग्रीन, स्कारलेट रेड, सनसेट येलो, ब्लू, ओके। बट जिसके अंदर कलर का नेम नहीं है वो आपके लिए आईएमपी रहेंगे, फॉर एग्जांपल इंडिगो कार्मिन, ओके, देन अमारांत, इरिथ्रोसिन
एंड टाट्राजिन, ये चार मोस्ट आईएमपी है फ्रॉम सिंथेटिक कलर्स। आगे इंपॉर्टेंट है ये कोड्स, ओके, फार्मास्यूटिकल कलर्स कोड, कि ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि कोड में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो E102 जो कोड है वो है टाट्राजिन के लिए, E104 फिर क्यूनोलिन येलो, E110 फॉर सनसेट येलो, E120 फॉर कोलचिनिर कार्मिनिक एसिड एंड कार्माइंस, E122 एजोरुबिन एंड कार्मोइसिन, E123 फॉर अमारांथ, E124 फॉर पोनिक्यू, सॉरी पॉन्स्यू, आफ्टर दैट E127 इरिथ्रोसिन, E129 एल्यूरा रेड, E131 पेटर्न ब्लू, E132 इंडिगो कार्मिन, E133 ब्रिलियंट ब्लू एंड E151 ब्रिलियंट ब्लैक। तो ये जो दोनों जो स्लाइड है इसमें से आपको याद रखने हैं कोड, ओके, कोड काफी इंपॉर्टेंट है कि कोड में से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो दिस इज अबाउट द फार्मास्यूटिकल कलर्स। सो मैसेज टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप्स, सेंड योर नेम, सिटी नेम एंड मैसेज ऑन ए व्हाट्सएप ऑन 9426180836 टू ज्वाइन फार्मारॉक्स व्हाट्सएप ग्रुप्स। You can also contact Mr. Amar Rawal, owner and founder of Pharmarox, the way of success, on his WhatsApp number 9016312020. So good luck and all the best.